फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज दमाम में हमारा सेकंड डे है, यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। हम तो पढ़ के आ गए नमाज, तुम्हारा क्या हुआ? हो गए, रेडी होंगे फिर निकलेंगे। फिर जाएंगे दावत में, यूसुफ भाई लेके जा रहे हैं आज। दावत मम्मी। अच्छा वेलकम टू आवर होम, हैप्पी बर्थडे, वेलकम टू आवर होम। आओ जाओ, चलो काटो जल्दी काटो, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे। इन लोगों ने इतने प्यार से रखा हुआ था, कल से ये लोग परेशान हैं। प्यारा केक, किसका आइडिया था ये? ठीक है वेलकम टू अवर होम, क्योंकि दोनों का घर है तो दोनों का आइडिया। ठीक है, दोनों को साथ में खिला, हमारे हाथ क्यों कांपने लगते हैं? चलो खिला खिला दोनों को, देख मुझे मुंह खुला है। थैंक यू सो मच। अभी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल और भी है फिरोज के पास। अच्छा, फाइनली इतने दिन के बाद खाने को मिला। फिरोज कब से रखा है? हम लोग ले जाएंगे अभी परसों से। अरे वाह, खोलो क्या है? एम मने आज की माला। अच्छा, ओ दिखाओ क्या है। अरे वाह, अरे वाह, ब्रेसलेट लूट लिया, लूट लिया। अफरोज बना दे। तो हमें बहुत ही प्यारा से गिफ्ट मिल चुका है और आज यूसुफ भाई बाजी लेके जा रहे हैं हम लोग को घुमाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। चलो तो आज हम सारे लोग आए हैं बाहर खाने पे। ये दमाम खोबर में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है जैतून। तो ये एक इंडियन एंड चाइनीज कुजीन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बुफे अवेलेबल था तो हम सबके लिए अच्छा था, सारे लोग अच्छे से खा सकते थे। तो दमाम में जो भी सनी के फ्रेंड्स थे वो सब लोग हैं, यूसुफ भाई है, पापा है, तो सबके साथ काफी अच्छा लग रहा था। और माशाल्लाह खाना भी बहुत ज्यादा अच्छा था, वेज के भी ऑप्शन थे, नॉन वेज के भी ऑप्शन थे। ये देखिए चिकन है, पनीर है, बहुत सारी चीजें हैं। मजा आया? बहुत मजा आया। क्या क्या खाया? नान खाई, फिर रोटी खाई, अब फिर रसगुल्ला खाया। हमारा यहाँ पे खाना हो चुका है, बहुत अच्छा था। और ये जगह का नाम है जैतून, यहाँ पे बुफे था और इंडियन बुफे था, काफी अच्छे प्राइस पे भी है, तो हम सब अच्छे से खा लिया। उसके बाद कहाँ जाएंगे? तो सर अपने फ्रेंड से भी मिला देते हैं आपको। मिंटू ये सबको पता है, ट्रॉफी ये अमन स्मार्ट सुमन हमारे मोहल्ले के दमाद है, और ये फतेह भाई, और ये बाबू कसीम। हम इंडियन लोग जब तक सौंफ नहीं खाएंगे तो खाना कैसे कंप्लीट होगा। अभी हम आ गए हैं फाइनली दमाम कॉर्निश। मजा आ रहा है, इतनी अच्छी जगह। लड़ाई हुई थी कि रियाद ने घुमाया, दमाम पूरा घुमा दिया है ना। नहीं नहीं, थी बस थोड़ा सा सेट लग रहा था, लेकिन इसके बाद मैं पूरी रात रियाद घुमाऊंगा, पूरी रात। और जब पहुंचे तो रियाद बस चल गया सब कुछ। घूमने के लिए तो हम लोग भी बस में घूमेंगे। यहाँ पे तो देखो मुझे इस तरफ बहुत ज्यादा खूबसूरत मंजर था यहाँ का, हवा इतनी तेज थी, अलग ही नजारा था। और यहाँ पे लोग ना वीकेंड पे आते हैं और बारबेक्यू करते हैं। राइड जो है वो खत्म हो चुकी है, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। चलो चलो चलो, यह हम
हमारे घर का छोटा व्लॉगर मुजम्मिल रॉकस्टार, इसका भी चैनल देखे। चैनल का नाम अक्षय मुजम्मिल फ्रॉम डॉट कॉम। कहाँ भाई जा रहे हम लोग? कहाँ जा रहे? दोस्त मिल गए तो तुम पता लगे। मतलब 5 मिनट के लिए छोड़ दो अगर तो दोस्त मिल गया। दोस्त मिल गया मार। हवा फ्रेंड्स, हवा देखिए, ऐसा लग रहा है हम लोग पीछे उड़ जाएंगे। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं लुलू मॉल, शॉपिंग करनी है। तो ये है बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्रेंस, यहाँ पे डेकोरेट करके रखा है रमजान के लिए। रमजान के लिए अफरोज भी आई है, मुज्जू अंदर चला गया है। चलो चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा भी पोपट हो गया है, ये ग्रोसरी वाला लुलू मार्केट है और हवा देख सकते हैं आप, ठंडी लग रही है। तो हम यहाँ नहीं आए, अभी हमें जाना है दूसरी जगह जहाँ पे कपड़े मिलते हैं। हाथ पकड़ लो। अभी हम आ गए दूसरे वाले लुलू हाइपर में। लुलू इनका नीचे का तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, इनका अपर तो मिले। उसके बाद हम निकल गए दावत में जाने के लिए, जो कि नाहिद अंकल और उनकी वाइफ ने होस्ट की थी। नाहिद अंकल जो है वो प्रोफेसर है किंग फहद यूनिवर्सिटी, जो कि देहरान में है। वैसे वो मोहद्दा से हैं लेकिन काफी सालों से दमाम में रहते हैं। तो बस हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा डिनर किया और सबसे मिले, मोहद्दा के काफी सारे लोग थे, सबसे मिल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। अभी हम चलते हैं घर। जब रात होती है तब इसकी मस्ती चालू होती है। मुजम्मिल बहुत अच्छा बच्चा है और अफरोज भी हमारी बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। के साथ साथ दीन के भी बारे में काफी मालूम आता है। कभी मुजम्मिल सुनाए कलमा ना? कौन सुना बता जल्दी। फोर्थ सुना दो पहले। अफरोज सुनाएगी अब थर्ड कलमा, ठीक है? थर्ड कलमा तमजीद, तमजीद मीन्स ग्लोरिफिकेशन। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। माशाल्लाह। ये क्या तुम चुपके चुपके खा रहे हो? देख रहा हूं कुछ खाने की कब दिक्कत। अच्छा ये बाबा का है, ये सूटी है, शेरा है। तो अफरोज और मुजम्मिल के पास स्वीटी और शेरा भी है, मतलब पैरेट लड़का पैरेट लड़की, एक का नाम है स्वीटी एक का नाम है शेरा। क्या करवा रहे हो अभी? कचरा रहा हूँ। कचरा रहे कहते हैं ये हमारे यहाँ चला आ रहा है हमेशा से, सबके माँ बाप ने ये करवाया अपने बच्चों से। चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर, भैंस। ये हो गया चिड़िया और कबूतर और भैंस और सब ने उड़ाया। कबूतर और तोता और परी और ये उड़ा। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। हाँ कैसे कैसे उड़ती है परी? पापा की परी। नमक, मिर्ची, धनिया। एक 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 फाइनली हमें हमारा चोर मिल गया है। देखा रे चोर। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे हो गया, हमने सोचा पैकिंग कर लेते हैं, फिर बाहर भी निकलना है, फिर अभी जोर टाइम हो गया था तो नमाज भी हो गई। कल हम कॉलेज गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा और काफी सारे हमें सरप्राइजेस मिले, बहुत सारा प्यार मिला यहाँ पे, बहुत सारे लोग भी हमें मिले यहाँ पे इंडिया के। पहले यूसुफ भाई और बाजी रहते थे रियाद में, अभी उन लोग आ गए हैं दम्माम में। तो दम्माम में मतलब मैं 5 साल यहाँ पे रहा सऊदी में, तो दम्माम मैंने इतना कभी नहीं घूमा जितना मैंने एक दो दिन में घूम लिया। बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारी फैमिली सारे दोस्त थे। हम जा रहे हैं हाफ मून बीच, उसका व्लॉग चल आगे कंटिन्यू रखेंगे और उसमें फिर हमें कल निकलना भी है। हाँ, क्योंकि इतना कम टाइम था और सब कुछ घूमना भी था, लेकिन तब भी हमने बहुत कुछ करी दिखाने के लिए आपको। बस अभी तो मेरा फिर से वही शुरू हो गया, कल निकलना है, डर लग रहा है फ्लाइट में। तब मुझे मत डराओ। ये बताइए हमारी शादी कितने मंथ हो गए? 3 महीने तो पहले ही हो गए थे। 4 हो गए। कब हुए? 6 तारीख को।
आज कौन सी तारीख? 8। तो सॉरी ध्यान नहीं रहा आपको? इतना बिजी शेड्यूल था ना, लेकिन मैं लेकिन पता है उस दिन अपन ने क्या किया? क्या किया बताओ, मुझे भी बाद में ध्यान आया। उमरा? हाँ, तुम्हें भी याद नहीं था? मुझे भी याद नहीं था, बाद में याद आया। अल्लाह ताला को याद था, हमने उमरा किया ना वहाँ पे। कितने के दी? कम से कम कितने? 5000। तो अभी हम सब आ गए हैं हाफ मून बीच। यहाँ पे आज हम लोग दिन भर आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे। यहाँ का बीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन था, झूले भी थे, मुझे भी झूलना था, लेकिन अब आया की वजह से ना झूलते ही नहीं बन रहा था। मैं उसे कैसे कर करके ट्राई कर रही थी, लास्ट में मैंने छोड़ दिया और वो नीचे गंदा भी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मज़े किए। पलट मत जाना, हम लोग को बहुत तेज भूख लग रही है तो हम लोग पहले खाएंगे। चली गई बॉल भैया पानी में, चली गई चली गई। खाना पीना हो गया, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं बोटिंग करने। सनी भाई अच्छा ब्लॉग बना रहा है, सीख रहा हूँ मैं भी बनाना। हमारी YouTube फैमिली के ही लोग हैं और ये यहाँ पे दमाम है। कितने साल से? मेरा तो 20 साल। 20 साल और इंडिया में? मैंगलोर से। अपना नाम बताओ। जैन अभी हम आ गए हैं बीच के दूसरे वाले हिस्से पे। ये जगह हिम्मत वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जिसको हवा में उड़ना हो, जिसको पानी में तैरना हो, यहाँ आ जाओ। ये लोग पानी में लेके जा रहे हैं। धीरे चलवाओगे? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। उठना होगा जल्दी, आओ। अरे कुछ नहीं, यहाँ चलो चलो। अल्लाह, बड़ा ज्यादा डर लग रहा है। पानी की लहरें बहुत ही ऊपर ऊपर तक आ रही है और बहुत ही ज्यादा तूफान की तरह पानी बह रहा है। डर क्या कि जितना माउंटेन ड्यू, जैसे साहब का मेरा डर है ना, मुझे रोज 2 लीटर ड्यू पीने चाहिए। आ गई आ गई, अभी अपनी गड्ढे खुद आ रही थी, इसमें जाएंगे हम। चलो चलो खेल रही है ये। आज आगे डर लगता? डर नहीं लगता? नहीं लगता। ओके, पर अल्लाह का सहारा नीचे इसका। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल्लाह। डर लग रहा है? हाँ। चलो दुआ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लाहि वा बिहमदिही, सुभान अल्लाह हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन, इन्ना इला रब्बिना ला मुनकलिबून। धीरे धीरे भैया, नमकीन पानी है, नमकीन घुमा लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना उन्होंने एकदम से बोट को टेढ़ा किया और सब बहुत ज्यादा डर गए। ऐसे ऐसे करते आदमी लोग, ऐसे ऐसे कभी कोई शिप यहाँ पे डूबी है? नहीं नहीं, मैं तो 7 साल काम किया, 7 साल काम करते हुए हो गया। चंदू थैंक यू, व्हाट्स योर नेम? दुर्गा। थैंक यू दुर्गा। नेपाल। नाइस। नाइट व्यू कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग घर आ गए थे, उसके बाद फिर हमें बाहर जाना था क्योंकि पापा आज अम्मा को कुछ ज्वेलरी दिलाने जा रहे हैं। हमारी चलो चलो, तो हम लोग आ गए हैं मालाबार क्योंकि पापा दिला रहे हैं अम्मा को बैंगल्स चूड़िया। तो सबा बाजी और यूसुफ भाई लोग अंदर से कुछ देख रहे हैं, वहाँ पे पापा भी खड़े हैं यहाँ पे।
मैंने सोचा आपको कुछ डिजाइन दिखाती हूँ। जो बैंगल्स रखी हुई ना, ये छोटे छोटे बच्चों के थे, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के, इतने छोटे छोटे से। ये हाथ के कंगन ब्रेसलेट टाइप्स थे, ये नेम वाले इनिशियल्स वाले पेंडेंट्स थे, बहुत ही सारी वैरायटी थी। तो यहाँ से हमारा काम हो चुका है, अम्मा को बहुत ही अच्छी बैंगल्स दिला दी है पापा ने, अभी हम चलते हैं कहीं और। पापा से दिलवाओ। वहाँ से निकल के यूसुफ भाई हम लोगों को ले गए शॉपिंग कराने के लिए, क्योंकि हम लोग कल जा रहे थे तो उन्होंने बोला चलो कुछ ले लो, तो वो हमें आए हैं रेड टैग पे लेके। तो वहाँ पे होम डेकोर की भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। हैंड करी में ले जाएंगे। चुप रहो। ये क्या है बताओ? नहीं जल्दी बताओ। नहीं नहीं याद करो। मिक्सर। एक और। नहीं जल्दी बताओ। अल्लाह के सामने है। ब्लेंडर। ब्लेंडर ब्लेंडर। ये कहाँ से लाया? ये अखरोट का है। सही है। और तुम्हारा भी है? हमारा भी। अरे वैनिला कपकेक खाए हम लोग। इस वक्त 12:15 हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना है सुबह 4 बजे। सारे लोग यहाँ पे जग रहे हैं, सारे फ्रेंड्स बाहर इकट्ठा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। बच्चे बार बार कह रहे हैं मत जाओ मत जाओ, कोई नहीं इंशाल्लाह हम फिर जल्दी आएंगे। जो प्यारी सी फैमिली हमसे मिलने आई थी ना, उन्होंने हमें ये स्वीट्स दी थी और भाभी के लिए ये बुक दी थी और ये सबसे प्यारा ग्रीटिंग कार्ड दिया था। थैंक यू सो मच। सारी फैमिली सारे फ्रेंड्स तो साथ में थे ही, और पता चला कि चंदू का बर्थडे है, मतलब 12 बजे साथ उसका बर्थडे लग जाएगा। तो चलो उनको सरप्राइज करते हैं और एक और सेलिब्रेशन करते हैं साथ में। बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? तो ये है चंदू और ये है चंदू की वाइफ प्यारी सी शमा। हमने कह के कभी नहीं कहा। हैप्पी बर्थडे। धरती के आगमन में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। I really appreciate what you have done for me. बहुत ही अच्छा सरप्राइज हुआ। कैसा था भाई? आप लोग जाने का है भैया। ओके भाई, अल्लाह के लिए बहुत मजा आया भाई। चल बहुत शुक्रिया से मुलाकात हो गई। ठीक है भाई, चल ठीक है। सलाम। मस्सलाम। मस्सलाम। मस्सलाम।